दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज क्लिक के कार्यक्रम हफ्ते की बात में आपका स्वागत है। दोस्तों, बिहार के चुनाव को अगर हम देखें, जो डेवलपमेंट वहां हो रहे हैं, जिस तरह की दलबंदियां सामने आ रही हैं, उसमें एक बड़ा दिलचस्प सूरत हाल उसका उभर रहा है, और वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी एंटी इनकम्बेंसी, वो जानती है भारतीय जनता पार्टी, केंद्र की सरकार उसके पास है, तमाम एजेंसियां हैं, वो ये जानती है कि एंटी इनकम्बेंसी नीतीश कुमार की अगुवाई वाली जनता दल यू भाजपा सरकार के खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है, और ये कई कारणों से है जिसके बारे में हम सब जानते हैं। वहां पर बेहाली है, वहां पर बेरोजगारी है, कोरोना महामारी है, और कोरोना महामारी पूरे देश में है, लेकिन जो एक अफरा तफरी, जो एक चिकित्सा यानी स्वास्थ्य सेवाओं का जो घोर अभाव है वो बिहार में, वो शायद ही देश के दूसरे किसी और हिस्से में दिखेगा। हालांकि कमोबेश हर जगह हालात बुरे हैं, लेकिन बिहार में शायद सबसे बुरे हैं। यहां तक कि वहां तो जांच पड़ताल भी नहीं होती है, वहां पर टेस्टिंग भी आमतौर पर जिस तरह से कई प्रदेशों में लगातार घूम घूम करके या लोगों को इन्वॉल्व करके किया जा रहा था, वहां टेस्टिंग भी ठीक से नहीं होती है। तो ये जो हाल है उसकी वजह से बेहद बेहाली है। लेकिन बीजेपी कर क्या रही है? बीजेपी चाहती है कि एंटी इनकम्बेंसी की पूरी जो उसकी उसका जो निशाना है वो नीतीश कुमार झेलें। नीतीश कुमार निपटे एंटी इनकम्बेंसी से, और बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी से यानी सरकार विरोधी जो एक भावना लोगों में है उससे वो बच जाए, और इसके लिए वो तो अलग अलग फार्मूले आजमा रही है। उसने देखिए, अगर माना जाए तो लालू प्रसाद यादव को वो पहले ही निपटा चुकी है, वो जेल में है, और उनकी जो पार्टी है उसकी स्थिति बहुत अच्छी इसलिए नहीं कही जाएगी कि सांगठनिक तौर पे एक पार्टी के पास जो स्ट्रक्चर होता है, जो एक लीडरशिप क्वालिटी होती है, वो फिलहाल आरजेडी के पास नहीं है। उनके पुत्र जो उत्तराधिकारी हैं तेजस्वी, उनके बारे में बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं, लेकिन एक बात तो बिल्कुल सच है कि उनके पास राजनीतिक कौशल और अनुभव का अभाव है जो उनके पिता के पास था। तो कुल मिलाकर बीजेपी ये समझ सकती है कि उसने लालू प्रसाद को तो निपटा दिया, लेकिन अब बारी नीतीश कुमार की है। तो ऐसा लगता है कि बीजेपी अपने एलआई यानी जो उसके नेता हैं बिहार में, उनको ही निपटाना चाहती है, और उनको निपटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान जो अलग चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन सभी की जुबान पर है, गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ हर चौराहे पर बिहार के सभी समझ रहे हैं कि जो चिराग पासवान है वो किसके इशारे पर ये कर रहे हैं, क्यों नहीं वो एनडीए के पार्टनर वहां बन रहे हैं जबकि सरकार में वो दिल्ली की सरकार में वो शामिल रहे हैं। उनके पिता दिवंगत रामविलास पासवान जी वो बाकायदे कैबिनेट मंत्री रहे हैं, हो सकता है कि भविष्य में जल्दी ही कोई और भी कैबिनेट मंत्री बने उस पार्टी से, लेकिन रामविलास पासवान जी के निधन के बाद, जो एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है बिहार के लिए, पासवान परिवार के लिए और पार्टी के लिए भी उनकी, वो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश है कि जो पासवान जी के असामयिक निधन से जो एक स्थिति बनी है उसका पूरा फायदा बीजेपी को मिले और फिर चिराग पासवान को भी थोड़ा मिले। तो चिराग पासवान के जरिए नीतीश कुमार को जितनी क्षति पहुंचा सकती है बीजेपी इस चुनाव में, अलायंस में होते हुए भी अद्भुत दिलचस्प ये नजारा है, उसमें वो चिराग पासवान को उतना ही उठाना चाहेगी जितना वो नीतीश कुमार को गिराना चाहेगी, और इसके लिए सारे बंदोबस्त वो कर रही है। तो कुल मिलाकर जो बिहार की तस्वीर है उसमें ये पहलू बहुत महत्वपूर्ण हो गया है कि चिराग को सामने लाओ, चिराग को अपने नजदीक लाओ, भले ही वो गठबंधन में ना हो, और नीतीश को कमजोर करो। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी अब बिल्कुल नहीं चाहती कि नीतीश कुमार जी की अगुवाई में वो सरकार चलाए, भले ही उसने अनाउंस कर दिया हो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इस बार भी नीतीश कुमार ही उसके नेता होंगे, लेकिन सच यह है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में अपनी सरकार चाहती है, अपनी अगुवाई वाली सरकार चाहती है, और वो बिहार को भी भाजपा प्रदेश बनाना चाहती है। उत्तर प्रदेश बन चुका है, बहुत सारे प्रदेशों में पहले ही वो मौजूद है, कई जगह चुनाव हारी थी कुछ एक जगह, लेकिन वहां भी उसकी सरकार बन गई, मध्य प्रदेश उसमें एक है। तो इस समय उसके लिए बिहार पर
काबिज होना बहुत महत्वपूर्ण नजर आ रहा है, क्योंकि उसको लगता है कि फिर बंगाल का जब चुनाव होगा तो बिहार में सरकार बनाने का जो फायदा उसको होगा वो शायद बंगाल में भी उसको उससे कुछ उपयोग उसका करना चाहे। बीजेपी के लिए एक बड़ी दिलचस्प बात ये सामने आई है कि नीतीश कुमार की पार्टी में काफी ऐसे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति काफी मुलायम है। तो ऐसे में अगर चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी नंबर वन पार्टी नहीं बनती, जिसका पूरा अंदेशा व्यक्त किया जा रहा है, तो निस्संदेह पार्टी से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बीजेपी के समर्थन में सरकार बनाने से नहीं हिचकेंगे, और वैसी स्थिति में नीतीश कुमार को कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, कोई और विकल्प नहीं होगा। और चिराग पासवान को अगर 2 दर्जन के आसपास सीटें जो कैलकुलेट कर रहे हैं लोग कि अगर उनको आ जाती हैं, एक बार उनकी पार्टी को 28-29 सीटें आई थी, तो वैसी स्थिति में चिराग पासवान एक बड़े एलआई हो सकते हैं और वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर तक जैसा पद उनको ऑफर किया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी, ये महज संयोग नहीं है कि आरएसएस और बीजेपी से जुड़े लोग एलजेपी यानी चिराग पासवान की पार्टी में इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, और कईयों के नाम डिक्लेयर हो चुके हैं, कुछ के बाकी हैं। अब नड्डा जी कह रहे हैं कि नहीं, जो 12 अक्टूबर तक लोग वापस बीजेपी में नहीं लौटेंगे उनको हम पार्टी से निकाल देंगे। क्या फर्क पड़ता है, आप पार्टी से निकालिए फिर पार्टी में लोग चले आएंगे। झारखंड में भी एक आध चीजें कई घटनाक्रम ऐसे हैं जो देखे जा रहे हैं। तो दोस्तों, इसके अलावा एक और बड़ी दिलचस्प बात हो रही है जिस पर कम चर्चा है। इस समय बिहार में 5 मोर्चे हैं, 5 मोर्चे, एक तो आरजेडी कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी का, दूसरा जेडीयू बीजेपी का मोर्चा, तीसरा एक मोर्चा है जिसमें असदुद्दीन ओवैसी साहब की एमआईएम है, इसके अलावा बीएसपी भी उसमें जुड़ गई है, लेटेस्ट आरएलएसपी है, और देवेंद्र यादव की पार्टी है जो पहले एक जमाने में समाजवादी पार्टी में थे, इसके पहले जनता पार्टी में थे। तो ये जो पार्टियां हैं ये मिल करके एक मोर्चा बनाई है, और मजे की बात यह है कि इसके अलावा एक चौथा मोर्चा आप देख रहे हैं कि एलजेपी प्लस बीजेपी के विद्रोही दोनों साथ मिलकर, एक पांचवा भी मोर्चा है, वो मोर्चा है पप्पू यादव और भीम आर्मी के रावण साहब का। अब रावण साहब के बारे में भी कहा जा रहा है कि उनकी भी महत्वाकांक्षा है कि उनके लोग बिहार में चुनाव लड़ें। तो ये जो मोर्चेबंदियां हैं, बिहार की राजनीति को अच्छी तरह समझने वाले लोग कह रहे हैं, और उनका ये जो आकलन है निराधार नहीं है, कि ये जो मोर्चेबंदियां हैं कुल मिलाकर बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए है, क्योंकि कैंडिडेट्स जो तय हो रहे हैं, जिस तरह के कैंडिडेट हैं उससे साफ लगता है कि वो जेडीयू को नुकसान पहुंचाएं या फिर आरजेडी के फ्रंट को के अलायंस को नुकसान पहुंचाएं। इसीलिए कल एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस पटना में हुई थी पसमादा मुस्लिम महाज का, और पसमादा मुस्लिम महाज के नेताओं ने डिक्लेयर किया, उन्होंने क्या डिक्लेयर किया, उन्होंने कहा कि इस समय जो दलित उत्पीड़ित समाज के लोग हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं, उनको सोच समझ कर वोट देना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा न हो कि बिहार भी यूपी बन जाए। बिहार भी यूपी बन जाए का मतलब उनका इशारा बिल्कुल साफ था। ऐसे में अगर माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग, दलित कम्युनिटी के लोगों में ये अगर बात आई है कि कहीं बीजेपी अपना राज कायम करने के लिए बिहार में ये छोटी पार्टियों को भी इस्तेमाल कर रही है, एक दत्तक, बल्कि यूं कहा जाए कि दत्तक जो प्लेटफॉर्म्स हैं, कुछ दत्तक जो दल हैं, इस तरह की चीजों का इस्तेमाल किया बीजेपी कर रही है। हम किसी दल पे नहीं कह रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों का मानना है कि कुछ एक छुटपुट दल हैं जिनका इस्तेमाल बीजेपी कर रही है। तो ये कुल मिलाकर नजारा, ये जो सूरत हाल है बहुत दिलचस्प है बिहार के चुनाव का, और कोई आश्चर्य नहीं कि बीजेपी इसका फायदा उठाए। अब देखना यह है कि आरजेडी का जो मोर्चा है वो वाकई कितनी सीरियसली इस चीज को लेता है, उसमें सबसे जो सीरियसली चुनाव लड़ने वाले लोग हैं वो सबसे कम सीटों पर हैं, वो लेफ्ट पार्टी के लोग हैं। इसके बाद कांग्रेस है, कांग्रेस सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ रही है, जो उसकी क्षमता भी नहीं है, और आरजेडी जो सबसे बड़ा दल है, जाहिर है 122 सीटों पर लड़ रही है, लेकिन आरजेडी के बारे में भी इंप्रेशन ये बिहार में पड़ रहा है कि वो उतनी सीरियस इस चुनाव के बारे में नहीं है। क्यों नहीं है, हम इस पर फिर कभी बात करेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। Thank you.